कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी आपसे यही फिर से इल्तिजा कर रहा हूं, अपने वोटों का सही इस्तेमाल करिए। ये जो नादान लोग हैं, अरे ये समाजवादी का उनका अध्यक्ष है, वो बोल रहा है कि मुस्लिम अकलियत को नेता की जरूरत नहीं है। जो मुस्लिम अकलियत अपने नेता की बात करेगा उसको पाकिस्तान जाना है। अबे तू जा पाकिस्तान को, जाके मिल उससे, हमको बोल रहा पाकिस्तान चले जाओ। अरे समाजवादी वाले वहां बोलते तू पाकिस्तान चले जा, ये बीजेपी वाले बोलते तू वहां चले जा। अरे बाबा तुमला क्या बाटली है, तू पाकिस्तान चले जा, नहीं जाते क्या करता तू बोल, नहीं जाते क्या उखाड़ता बोल। अब यहां सरजमीन में पैदा हुए, तुम्हारे आंखों में आंखें डालकर मोदी से मुकाबला कर रहे हैं जमहूरी तरीके से, तुम क्या कर सकते, गोली चला सकते, ना चलाओ गोली, मैं मरने तैयार हूं, मुझ पर कई हमले हो चुके हैं, मगर याद रखो औरंगाबाद की आवाम, मैं तुमको जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरी नीयत यही है कि जब मैं इस दुनिया से चले जाऊं मेरा जिस्म तुम्हारी सरजमीन में अंदर चला जाए, बस मेरी एक ही ख्वाहिश है। मुझे औरंगाबाद से इतनी मोहब्बत है, अल्लाह जानता है मुझे औरंगाबाद से कितनी मोहब्बत है, अल्लाह ही जानता है कि मेरी, मैं जो कुछ अल्फाज बोल रहा हूं वो पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, बल्कि मैंने अपने अफराद खानदान के सामने भी ये बात रखा तो मेरे अफराद खानदान के लोग बहुत नाराज हुए, क्या बक रहे हो, दीवानी बात मत करो। मेरे घर वालों तक बोल दिया मैं कि मेरी नीयत ये है कि मैं अगर वतन अजीज में अल्लाह मुझे अपने पास बुला लेता है तो मुझे औरंगाबाद की एक छोटी सी जमीन में किसी पर जगह में दफना दो, बस मेरी नीयत यही है। मैं आपसे इतना मोहब्बत करता हूं, 20 तारीख को ये दोनों उम्मीदवार नहीं है, ये आपका भाई उम्मीदवार है।